वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ में निफ्टी फिन को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी होने वाली है। आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोई रीजन मुझे नहीं दिख रहा है। टोटली टाइम जो है यूटिलाइज होगा बट कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। बस एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ पहले सीखने का। आप यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट का, यहाँ पर आपको इतना लॉन्ग लेग डोजी बनाया। लॉन्ग लेग डोजी को आप यहाँ पर समझो पहले कौन सा कैंडल होता है। ये कैंडल होता है नॉर्मल डोजी से थोड़ा बड़ा, जिसमें अपसाइड जो विग होती है वो काफी बड़ी है, काफी छोटी होती है। मतलब आप निफ्टी की जो वीक्स के हिसाब से डेली मोमेंटम मान के चलो 0.50 या 0.60% की मान के चल रहे हो, अगर इतनी मोमेंट टोटल आनी है निफ्टी में 100 पॉइंट की टोटल मूव मार्केट के अंदर आनी है, उसमें से 60-70 पॉइंट का ये डोजी बन गया, तो ये लॉन्ग लेग डोजी, पहला 15 मिनट का लॉन्ग लेग डोजी अगर कैंडल जब भी मार्केट में बन जाए, मार्केट में बाय ट्रेड या सेल ट्रेड बनता ही नहीं है जब तक उसके हाई या लो के नीचे मार्केट नहीं निकलता। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, लॉन्ग लेग डोजी का मतलब क्या है। एक ऐसा कैंडल जिसके अंदर बायर्स ने भी प्राइस को ऊपर पुश किया, नीचे सेलर्स ने भी पुश किया और मोमेंटम भी दिखाई, दोनों तरफ दोनों ने बहुत स्ट्रेंथ दिखा के कोशिश कर ली। मतलब बायर्स ने पुश किया तो एक बहुत बड़ी विग भी बनी है इस कैंडल के अंदर, जिसका मतलब है बायर्स ने हैवीली पुश किया था और उसी की जगह सेलर्स ने भी हैवीली पुश किया नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि एक बड़ी विग बनी है, इससे हमें क्लियरली दिख रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने ट्राई किया फिर भी मार्केट में क्लोजिंग कैंडल के बीच में आके हुई, दोनों फेल हो गए अपनी स्ट्रेंथ दिखा के, तो मार्केट टोटली साइडवेज ही हमें दिख रहा है। दोनों की स्ट्रेंथ दिखाई दे चुकी है कैंडल में, अब आगे ये स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे। अगर पहले 15 मिनट में न बायर न सेलर कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं मार्केट को एक तरफ ले जाने का, तो अगला आने वाला मार्केट भी आज पूरे दिन का साइडवेज हो सकता है जब तक ये कैंडल का हाई या कैंडल के लो के ऊपर या नीचे मार्केट नहीं निकलता। मार्केट टोटली इसके बीच में निकल गया। इसके अलावा कोई लर्निंग पॉइंट आज है नहीं क्योंकि एंट्री मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मिली नहीं है, ना निफ्टी में एंट्री मिली है। बैंक निफ्टी का भी अगर हम चार्ट देखें तो यहां पर आपको कोई एंट्री नहीं मिली है। इधर आपका लो ब्रेक हुआ, हमने यहां पर डिसाइड करके गए थे हम 43,900 के नीचे हम सेल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। एनालिसिस के हिसाब से 900 के नीचे आप देखो निकला है पर कोई भी 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग ही नहीं मिली है, वीक बन गई। मार्केट ने यहां पर भी एक सेलर ट्रैप जरूर किया होगा जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड किए हैं, पर 15 मिनट के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। अभी हम कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। सिंपली निफ्टी के अंदर आपको एक रेंज दिखाई दी है, इसी रेंज को प्रेडिक्ट कर लो। जब तक ये 15 मिनट का कैंडल अब कल टूटे नहीं तब तक आपको बाय सेल कुछ नहीं करना है। ये कल भी काम करेगा क्योंकि आज ये रेंज बना के गया हमारे लिए, मार्केट इसके बीच में साइडवेज था, तो अब हमें पता है कि मार्केट जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा, जिस भी तरफ ब्रेक करेगा, हमें 50-70 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी। तो हम इस रेंज को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर। निफ्टी में हमें कहां पर बाय करना है, इस कैंडल का हाई है 18,630 का मान लो या 635 का, 18,635 के ऊपर निफ्टी निकलता है, इसके ऊपर आपको एक बाय ट्रेड मिल जाएगा। 18,690 50-55 पॉइंट आपको मिल जाएंगे 690 के ऊपर। 18,740 तक ये आपको 50 पॉइंट और दिखाई दे सकता है, अप्रोच कर सकता है 690 के ऊपर। 50-60 पॉइंट से बड़ा टारगेट अभी रखो मत, 635 के ऊपर निकलता है कल निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देखे तो बाय करो। उसी जगह अगर नीचे निकलता है 560 के नीचे तो वहां पर आप इसको सेल कर सकते हो। 18,560 के नीचे सीधा टारगेट मेरे हिसाब से आपको 18,480 का इजिली मिलना चाहिए। 480 तक की आपको सेलिंग दिखा सकता है, 480 ब्रेक होता है तो 18,420 तक की 60 पॉइंट और मोमेंटम आपको निफ्टी में दिखाई दे सकती है। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात, बट अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो हमेशा ध्यान में रखो गैप अप ओपनिंग में आपको टारगेट को कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे यहां पर 18,635 के ऊपर हम बाइंग साइड जा रहे हैं निफ्टी में, बट यहां अगर ऊपर निकलता है तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 60 पॉइंट का। अगर 60 पॉइंट का टारगेट है और मार्केट आपके लेवल से ऑलरेडी 30 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है, मतलब आप टारगेट ले रहे हो 18,700 का बट मार्केट ऑलरेडी 18,660 तक ऑलरेडी आ चुका है, 635 के ऊपर 30-35 पॉइंट और ऊपर ओपन हो रहा है, तो क्या होगा? ये जो 60 पॉइंट का आपने टारगेट प्लान किया है 30-40 पॉइंट तो आपके गैप अप पे निकल गए, तो आपका स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का हो गया बट ऊपर का आपका जो टारगेट हुआ वो ओनली 30 पॉइंट का ही बचा रह गया, तो उसको फिर गैप अप को ट्रेड नहीं करना होता है। बट अगर ये गैप अप मान के चलो कि मार्केट 600 पे बंद हुआ है, 15-20 पॉइंट का गैप अप है, 635 के नीचे नीचे गैप अप ओपनिंग आ रही है, 635 कैंडल में क्रॉस हो रहा है या 635 पर ही ओपन होके मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, तो वो फिर एक अच्छा लेवल हो सकता है बाय ट्रेड करने के लिए, छोटा सा गैप अप, ठीक है। बट अगर मार्केट में गैप डाउन आता है तो सेलिंग हमेशा पैनिक में आती है। 560 का लेवल अगर गैप डाउन में ब्रेक हो जाता है तो पहले वेट करूंगा, उसके बाद में भी सेल प्लान कर सकता हूं, बट अगर 560 तक का ही गैप डाउन है, मार्केट 560 के कैंडल को 560 के लेवल को कैंडल में ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ, तो मुझे एक अच्छा सेल ट्रेड मिल सकता है 18,560 के नीचे, और टारगेट मेरा रहेगा जैसा मैंने आपको बताया
4,580 तक का, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, 43,940 के आसपास हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, और नीचे के लेवल कहां पे सेल करना चाहिए हमें, अभी भी 900 का लेवल प्लान कर लो, क्योंकि इसके नीचे हमें कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देखे 943-900 के नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 43,800 का, ओनली 100 पॉइंट का, ज्यादा नहीं, क्योंकि 100 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट पड़ा है। अगर 800 टूटता है तो 43,700 का लेवल तक वापस से 100 पॉइंट के लिए हम यहां पर सेल करेंगे। अगर जस्ट इन केस 700 नीचे टूटता है तो फिर सेलिंग बड़ी कंटिन्यू होगी, फास्ट मूव आपको 43,700 के नीचे ही देखने को मिलेंगे, उससे पहले देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर मार्केट में ऑलरेडी गैप डाउन आ रहा है तो यही 43,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, जहां पर आप कोई हैमर वगैरह देख के वापस से बाइंग प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देखिए ऊपर निकल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको 44,100 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना चाहिए। 44,100 के ऊपर निकलता है तो आपका टारगेट होना चाहिए 44,250 का, 250 ब्रेक होता है तो फिर अगेन 350-400 तक की अप्रोच आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो। एक बड़ा गैप अप गैप डाउन आपको बैंक निफ्टी में भी वेट करना चाहिए, वॉलिटिलिटी मार्केट की बढ़ गई है प्लस मार्केट की रेंज अभी भी छोटी है जो आपको गैप अप गैप डाउन में ट्रैप कर सकती है। निफ्टी फिन को देख लेते हैं, 19,400 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है, मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, कल इसकी एक्सपायरी भी होने वाली है क्योंकि इसमें भी लॉन्ग लेग डोजी था और इसका ब्रेकडाउन नीचे आया, कैंडल भी क्लोज हुई बट हमको ट्रेड नहीं मिला, और हमारा इसके अंदर एनालिसिस यही था करीब करीब कि हम 400 के नीचे सेल करेंगे, बट 400 के नीचे इसने आज और लास्ट ट्रेडिंग डे पर भी काफी ट्रैप किया, अभी इसकी वॉलिटिलिटी जो है काफी बढ़ गई है तो मेरे हिसाब से इसको आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। नीचे का सपोर्ट बनने वाला है 19,320 का, 320 से लेकर 300 का लेवल निफ्टी फिन में आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आपको नीचे मिलता है वहां पर हैमर वगैरह देख के आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो 300-320 के आसपास, ऊपर आता है आप इसको 480-500 के लेवल के आसपास 19,500 के लेवल के आसपास वापस से सेल कर सकते हो। शूटिंग स्टार देख के एक बड़ा ट्रेड आपको या तो 300 के नीचे निकले या 500 के ऊपर निकले तभी मिलेगा, पिछले वीक से सेम एनालिसिस करते हुए आ रहे, उसके नीचे या ऊपर मार्केट में कोई मूवमेंट हम दे नहीं रहा है। तो निफ्टी फिन का प्लान हमारा यही है, 300 के नीचे सेल 500 के ऊपर बाय, इसके बीच में वॉलिटिलिटी, वही 300 सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, वही 500 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। ऑलरेडी गैप डाउन आ रहा है तो 300 बाइंग का लेवल है, फ्लैट ओपनिंग के अंदर आपको नो डाउट एक ट्रेड छोटा सा मिल सकता है, जैसे मान के चलो कि फ्लैट ओपनिंग मिली और ये आपको 19,375 के नीचे कोई कैंडल की क्लोजिंग दे रहा है 19,375 के नीचे, तो यहां पर आप सेल कर सकते हो, 375 के नीचे निकलेगा तो ये आपको 300 तक की मोमेंटम या 310 तक की मोमेंटम मतलब 60-70 पॉइंट आपको दे देगा, इससे ज्यादा आपको पकड़ने नहीं है। 300 के आसपास आते ही आपको वापस से रिवर्सल प्ले करना है निफ्टी फिन के अंदर कल की एक्सपायरी के लिए, और अगर नीचे का लेवल 300 टूट के नीचे इसके सस्टेन करने लग जाता है तो फिर 200 तक की एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। सेलिंग साइड वीक है, निफ्टी फिन बैंक निफ्टी दोनों वीक है, कल निफ्टी फिन की एक्सपायरी भी मेरे हिसाब से वीक ही होगी, मुझे बाइंग के चांसेस थोड़े से कमी लग रहे हैं। अभी यहां पर हम मेजर स्टॉक्स को देख लेते हैं, पहला स्टॉक है हमारे पास HDFC बैंक, 1600 के आसपास आज हमें फाइनली जाके एक क्लोजिंग मिली है डेली बेसिस पर, ये एक वीक साइन है। अभी कल अगर ये फ्लैट ओपनिंग देखें मान के चलो 1590 के नीचे या 1595 के नीचे भी निकलता है तो वीक हो जाएगा, 1595 के नीचे आपको मोमेंटम 1580 तक की मिलेगी, 1595 के नीचे 1580 तक की मोमेंटम HDFC बैंक में आपको दिखाई दे सकती है, इसके नीचे निकलता है तो 1560 तक की भी एक मोमेंटम आपको HDFC बैंक में आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। बाइंग साइड जाना सही नहीं है फिलहाल, बैंक्स के अंदर तो बिल्कुल वेट करेंगे, बैंक्स हमें वीक दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक, ICICI बैंक भी 932 का लेवल प्लान है जो आज भी ब्रेक नहीं कर पाया, 933 को टच किया है बट 32 के नीचे नहीं निकला, 32 के नीचे इंट्राडे में 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिले तो सेल करना, सीधा 920 तक की सेलिंग आपको दिखा सकता है। सारे बैंक्स के स्टॉक सपोर्ट पर होल्ड कर रहे हैं, जैसे ही सपोर्ट टूटता है आपको एक अच्छी मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है जो मार्केट की आईवी को बढ़ाने का एक बड़ा रीजन बनेंगे, क्योंकि मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी बैंक्स फिसलते हैं ना नीचे की तरफ पूरे मार्केट को साथ में लेके डूबते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाती है आईवी को बढ़ने की और ऑप्शंस के ऑप्शन बायर्स को कमा के देने की, प्रॉफिट बना के देने की। तो बैंक्स आपको एक जब भी गिरेंगे तब आपको एक अच्छा प्रॉफिट देंगे 932 के नीचे, ICICI बैंक आपको 920 तक की एक मोमेंटम एक बड़ी कैंडल डेली बेसिस पर दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक आप देखोगे यहां पर ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है, 982 के ऊपर जब निकले तभी बाय करना, 990 तक आपको बाय ट्रेड भी शायद 1% मिल जाए, बट मैं कहूंगा कि यहां पर ये ऑल टाइम हाई के आसपास
से वेट करो, बैंक्स वीक लग रहे हैं। 960 के नीचे आप इसके अंदर सेलिंग साइड जाओ या 960 के पहले भी आप इसके अंदर सेलिंग साइड जा सकते हो, बट वो आपको ट्रैप कर सकता है। 960 के नीचे निकलता है तभी सेल करना, आपको 950 और 945 तक की एक मोमेंटम 960 के नीचे एक्सिस बैंक में दिखाई दे सकती है, या फिर 982 ऊपर ब्रेक होता है तो 2-4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 10 पॉइंट के टारगेट के लिए बाइंग साइड में जा सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक देख लो, नीचे ब्रेक किया था, मैंने आपको बोला था 1920 के नीचे जो आपको मोमेंटम मिली वहां पर होल्ड कर रहा है, ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू हो जाएगी। 1860 के नीचे निकलता है तो सीधा आपको 1840 और 1835 टूटता है तो सीधा आपको 1800 तक का भी लेवल इसके अंदर दिखाई दे सकता है। पहला लेवल आपका होना चाहिए 1860 के नीचे, सेल करते हो तो 1840 के नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा ये मेरे हिसाब से, ये मान के चलो कि ये वाला जो लेवल है, क्या लेवल है ये, सॉरी ये वाला लेवल 1830 मान के चलो, अगर 1840 के नीचे निकलता है तो 1830 भी देखने को मिल सकता है इजिली। 1830 के नीचे सस्टेन होता है तो फिर सीधा बड़ी मोमेंटम 1800 तक की या 1790 तक की भी कोटक बैंक के अंदर सेलिंग साइड में मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस देख लो, साइडवेज है टोटली, कोई खास मोमेंटम मिल नहीं रही है। जब तक 2450 नीचे ब्रेक नहीं होता तब तक कोई ट्रेड नहीं करना, 2520 ऊपर ब्रेक नहीं होता कोई ट्रेड नहीं करना, फिलहाल रिलायंस में वेट करना। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास TCS। 3195 के नीचे जैसे निकलता है इसके नीचे सेल करेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे। 3195 के नीचे मेरे हिसाब से डायरेक्ट मोमेंटम 3150 तक की देखने को मिलेगी, बाइंग साइड में अभी नहीं जाएंगे। जब तक 3300 ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक इसके अंदर हम बाय ट्रेड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंफोसिस। इंफोसिस 1290 के आज एक बाउंस बैक लिया, 1260 तक गिरा था उसके ऊपर यहां पर एक बाउंस बैक दिया 1295 के आसपास टच करके 92 तक क्लोजिंग दी है। अभी ऊपर जब तक 1300 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक बाय मत करो, बट ये ऊपर आया है तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी पोजिशनल के लिए है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां पर एक हमें ब्रेकआउट मिला था, ये रीटेस्ट हो सकता है, बट ये रीटेस्ट थोड़ा सस्टेन होने दो, कल भी सस्टेन हो गया तो 1300 के लेवल के आसपास मुझे लगता है ये उठाने लायक है, तो इसका डिसीजन कल लेंगे, फिलहाल वेट करेंगे। 1300 का लेवल देखते हैं कैसे ट्रीट करता है, अगेन 1300 से रिजेक्ट होता है तो वापस सेलिंग, 1300 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक पोजिशनल अच्छे बाय ट्रेड में हम जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास HDFC। HDFC देखो वही नेगेटिव है, बैंक की तरह ये भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 2625 के नीचे सेल बनेगा, 2625 के नीचे 2600 एंड 2570 तक के लेवल के लिए, इसके अलावा इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं बनेगा। आई होप आप लेवल समझ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।